हेलो गाइस, तो आज हम दोबारा से खेलने वाले GTA 5। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि माइकल और फ्रैंकलिन जो दोनों दोस्त बन चुके थे, और आज जो है फ्रैंकलिन माइकल से दोबारा मिलने वाला है। और अभी जो माइकल अपनी फैमिली को यहाँ पे बीच पे छोड़ने आया था, और उनको छोड़ के हम जा रहे हैं वापस। और चलिए फिर चलते हैं सीधा अपने नए घर पर। सबसे पहले मैं यहाँ से एक अच्छी सी गाड़ी ले लेता हूँ यार, जो सी भी अच्छी लगेगी वही उठा लूँगा। मेरे भाई गाड़ी तो बहुत सारी खड़ी है, मगर मैं कौन सी लेऊँ? एक सेकेंड, ये ब्लैक वाली, हाँ भाई ये काली गाड़ी अच्छी लग रही है। कौन सी रेंज रोवर लग रही है मेरे को? नहीं यार, और कोई चीज़ का नाम मेरे को पता नहीं। भाई साहब कैसे माइकल ने मतलब किसका शीशा तोड़ दिया, अभी तारे लगा के स्टार्ट कर रहा है। ओ भाई साहब, माइकल ने स्टार्ट कर दी गाड़ी। भाई साहब बेटे माइकल बड़े तेज हो रहे हो तुम तो। चलो कोई नहीं भाई, लेके इसको। अरे भाई साहब पुलिस पीछे लग गई यार, पुलिस यार। अब इसको हटाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा यार, पुलिस को हटाने में। चलो हम ट्राई करते हैं, जितनी जल्दी हो उसके उतनी जल्दी पुलिस को हटाएंगे। सबसे पहले यहाँ से निकल रहे थे भाई साहब, पुलिस की गाड़ी हमारे आगे से गई यार। एक स्टार पुलिस लगी हुई है पीछे, जल्दी से जितनी हो उसके भाई यहाँ से निकल लेता हूँ। अगर भाई पुलिस ने पकड़ लिया ना यार, काम खराब हो जाएगा। निकलते हैं। अरे भाई साहब गाड़ी मेरी नहीं है यार, ये टूटी जा रही है। भाई साहब भाई इतना हैवी ड्राइवर तो हो नहीं मैं, थोड़ा बहुत ठीक ठीक सब यूँ निकल लेते हैं भाई। जल्दी हमें अपने घर पे पहुँचाऊंगा। ओ नैनो नैनो नैनो, भाई साहब अमेरिका में भी नैनो थी क्या? ओ भाई चलो उसको छोड़ यार, मेरे को सबसे पहले है ना बहुत टाइम हो गया घूमते हुए, पुलिस अभी तक यहाँ से हटी नहीं है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना खड़े होकर इस घर में जाता हूँ यार। ये दुकान सी क्या है, देखते हैं यार ये खुली है या बंद पड़ी है, इसको एक बार देखते हैं खोल के, खुलती है नहीं। अरे यार ये तो बंद पड़ी है भाई, मैं क्या करता हूँ गाड़ी में ना यहीं पे बैठ जाता हूँ कुछ टाइम तक, पुलिस हट ही जाएगी, कुछ टाइम तक वेट करते हैं। अरे भाई हट जा प्लीज़। ओके गाइस फाइनली जो पुलिस भी हट चुकी है, हम चलते सीधा अपने घर पे। बहुत टाइम के बाद जो है पुलिस हट चुकी है, और आज जो हमसे फ्रैंकलिन मिलने वाला, देखते हैं फ्रैंकलिन को क्या काम है। वो कह रहा था कुछ ज़रूरी काम है, देखते हैं उसका काम क्या है, और उसके साथ चलना पड़ेगा हमें, शायद कहीं पे जाना पड़ेगा, देखते हैं कहाँ पे लेके जाता है। फिलहाल तो मैं सबसे पहले अपने घर पे चलता हूँ यार, मतलब पुलिस को हटाने में बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया था, उस चक्कर में मैं काफ़ी दूर आ चुका था अपने घर के, पर ऑलमोस्ट अब हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर इस गाड़ी को अपने घर के बाहर ही खड़ी कर देते हैं, अपनी तो है नहीं, जिसकी भी होगी वो ले जाएगा भाई, पुलिस उसकी हेल्प कर देगी ढूंढने में। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सीधा घर के अंदर। और भाई देखो यार घर तो इतना बड़ा है ना, बस क्या ही बोले अपना। देखो भाई साहब माइकल अब चला अपने घर के अंदर, काफ़ी टाइम बाद आए हैं वापस घर में। ओके क्या सीन चल रहा है यहाँ पे भाई? हो चुकी है अभी रात। ओके भाई साहब रात हो चुकी है, और यहाँ पे इनकी मम्मी बेटियों की लड़ाई बज रही है भाई। ये फ्रैंकलिन की वाइफ और उसकी बेटी है, उनकी लड़ाई बज रही है आपस में भाई, उनकी लड़ाई बजने दो। माइकल आ चुका है बाहर, ठीक है भाई अभी उनकी लड़ाई बज रही है। माइकल यहाँ पे करेगा चिल बैठ के, गाने गुने सुनेगा भाई, वो तो अंदर सारा दिन लड़ते रहते हैं, पता नहीं क्या सीन चलता रहता है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं हम, माइकल अभी बैठ के यहाँ पे जूस पिएगा और आराम से गाने सुनेगा। ये बात माइकल बेटे चिल मार रहा है पूरी, यहाँ पे माइकल इंजॉय कर रहा है। ओ फ्रैंकलिन आ गया मिलने, चल इनकी बातें सुनते क्या कर रहे हैं। You're gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. ओके गाइस जो अभी हम जाने वाले हैं कहीं पे, मतलब कि बार में। अबे जिमी का फोन क्यों आ गया? एक सेकंड जिमी का फोन आया भाई, पूछते हैं इससे क्या हुआ। I'm going for a drink. Dad, shit. I mean our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. All right, I'm coming. For my boat. ओके गाइस जो अभी बड़ा तकड़ा सीन हो चुका है, जिम्मी जो अपनी एक बोट बेचने गया था, अपनी मतलब माइकल की बोट थी उसको बेचने गया था, पर जिसको बेचने गया था उन्होंने उससे ऐसे ही छीन ली, और जो जिम्मी को भी किडनैप कर लिया है। अभी जो मेरे को मतलब कि फ्रैंकलिन को जाना पड़ेगा, जिम्मी को भी किडनैप कर लिया, और मैं इतनी महंगी याच थी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जिम्मी को बचाएंगे, और देखते हैं याच को बचा पाते हैं नहीं, क्या सीन होगा। तो चलिए भाई सबसे पहले हमें जाना होगा हाईवे के ऊपर। वो कह रहा जिम्मी कह रहा था हाईवे के ऊपर से उसको लेके जा रहे हैं, उसने कैसे कैसे करके भाई मतलब कि फ़ोन कर दिया माइकल को। अभी हमको वहाँ पे जाना पड़ेगा, और देखते हैं भाई क्या सीन होने वाला आगे जाके, हमें जो काफ़ी टाइम लगने वाला है वहाँ पहुँचने में। ऑलमोस्ट हम ओके आगे आगे, यही हाईवे है, यहीं पे कहीं ना होने चाहिए। ओ भाई साहब वो रही भाई साहब, देखो यार यही है माइकल की याच, इसको वो लेके जा रहे हैं, और इसी के अंदर जो है जिमी को पकड़ के रखा हुआ है। देखते हैं भाई क्या सीन होने वाला है। सबसे पहले हम चलते हैं और फ्रैंकलिन को पूरा प्लान समझा देते हैं, कि फ्रैंकलिन को गाड़ी के ऊपर चढ़ के फिर जो है याच के ऊपर जंप मारनी होगी, तभी जो उसके अंदर जा पाएगा। ऐसे तो कोई मतलब कि मतलब ही नहीं बनता जाने का। तो सबसे पहले जो फ्रैंकलिन को इसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, और उसके बाद ही जो फ्रैंकलिन इसके ऊपर चढ़ पाएगा। तो भाई सबसे पहले जो गाड़ी को इसको बिल्कुल पीछे लगा लेते हैं भाई, बिल्कुल इसके पास रखनी पड़ेगी, तभी जो फ्रैंकलिन जंप। अरे भाई साहब अबे फ्रैंकलिन भाई गिरते गिरते बच गया फ्रैंकलिन, ऑलमोस्ट बेटे संभाल के बैठ जा तू।
और भाई साहब बॉडी फेल रहा है, वो ट्रक इतनी ज़्यादा फेल रहा है यार, मतलब क्या ही बोले यार, गाड़ियों को ना उड़ाते चल रहा ताकि हमारा रास्ता ब्लॉक हो जाए। बेटे हम भी बड़े हैवी ड्राइवर हैं, आज तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं भाई, फ्रैंकलिन तेरे ऊपर है देख ले अब सब कुछ भाई। अब जो फ्रैंकलिन, ये बात फ्रैंकलिन बेटे एकदम छलांग मार के चढ़ गया, पता भी नहीं चलने दिया कब में से छलांग मार गया। अब फ्रैंकलिन सबको एक एक करके टपका और जल्दी जिमी को ढूंढ भाई, कहाँ पे जिमी को ढूंढना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखते हैं गाइस यार क्या सीन होने वाला है अभी, देखते हैं। ओ लड़ाई बज रही है फ्रैंकलिन की वहाँ पे। अरे भाई साहब अबे मेरी गाड़ी के इंजन पे क्यों मार रहे हो भाई, इसकी ऐसी तैसी कर दी, धुआं निकलने लग गया यार ब्लैक कलर का, भाई साहब क्या सीन चल रहा है। ओके फ्रैंकलिन ने एक बंदे को तो मार दिया, नीचे फेंक दिया है। फ्रैंकलिन जल्दी फेंक इसको भी, जल्दी जल्दी कर बेटे फ्रैंकलिन कर दे भाई। फ्रैंकलिन की पूरी तगड़े वाली लड़ाई चल रही है यहाँ पे, और मेरे को भी गाड़ी जो, अबे यार मैं इसको मारूँ कैसे यार। फ्रैंकलिन को नीचे पकड़ लिया उसने, दबा लिया नीचे भाई, वो थोड़ा बॉडी बिल्डर सा है फ्रैंकलिन, जना वो नहीं है बॉडी बिल्डर, पर यार इसको मेरे को कैसे ना करके शूट करना पड़ेगा यार, बहुत डिफिकल्ट है गाड़ी चलाते हुए शूट करना, पर हम फिर भी जो ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या सीन होता है भाई। सबसे पहले मेरे को मारना पड़ेगा इसके ऊपर, एम करनी पड़ेगी। अरे भाई साहब लग जा रहे लग जा, अरे यार भाई साहब निकल गए निकल गए निकल गए, पेल माइकल जल्दी गाड़ी को पेल। ओके भाई जल्दी से इसके पीछे जाना पड़ेगा हमें दोबारा। माइकल यार क्या सीन चल रहा है, मार 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 माइकल। अबे लग जा यार प्लीज़ 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 लग जा यार, लग ही नहीं रहा इसको भाई भाई, बहुत मुश्किल है गाड़ी चलाते हुए मारना। और लग ये बात फ्रैंकलिन देख ले भाई, अब मैंने मार दिया, अब तेरे को करना जो भी करना भाई, अब फ्रैंकलिन के ऊपर है जो भी करेगा भाई साहब। फ्रैंकलिन जल्दी ढूंढ जिमी को ढूंढ और जल्दी निकल वहाँ पे। ओके जिमी मिल चुका है भाई, जिमी बहुत डरा हुआ है, पता नहीं उन्होंने क्या करा ऐसा। और फ्रैंकलिन, अरे फ्रैंकलिन ये क्या कर, ओ भाई साहब ये फ्रैंकलिन पागल हो गया, देखो यार क्या कर दिया, जिमी को बिठा के उस डंडे के ऊपर उसको ही बाहर फेंक घुमा दिया। ओ भाई साहब मेरे को इसके ऊपर नीचे लेके जानी पड़ेगी गाड़ी, और तभी जिमी इसके ऊपर गाड़ी के ऊपर कूद पाएगा। जल्दी कूद जिमी, जिमी ये बात, जिमी को हमने बचा लिया। फ्रैंकलिन जल्दी तू भी आ जा भाई। फ्रैंकलिन बेटे बहुत, मतलब कि क्या ही बोले, एक्सपीरियंस बनता है इन चीज़ों में, फाइटिंग में मामले में। तो देखो भाई अभी तक जो फाइट कर रहा है, तीन चार को तो इन्हें टपका दिया और इस एक को हमने टपका दिया, ये नीचे गिरा। अब फ्रैंकलिन जल्दी जंप कर दे, अबे कूद जा भाई फ्रैंकलिन, जल्दी जल्दी कर, हमारी गाड़ी ख़त्म होने वाली है, बीच में रुक गई ना तू वहीं टंगा रह जाएगा, और इसको ले जाएंगे और फिर इसको फ्रैंकलिन को मार देंगे यार, वो मतलब कि फ्रैंकलिन को हमको पास आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा कूद जा कूद जा। ये बात फ्रैंकलिन भी जो हमारे पास फाइनली आ चुका है गाइज, हमारी गाड़ी जो उसके पीछे जाने के लायक तो रही नहीं भाई, बिल्कुल खटारा बन चुकी है गाड़ी, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा गोलियां मार दी हमारी गाड़ी के ऊपर, मतलब ये चलने लायक बची ही नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं उसके पीछे चल के जा पाएगी, नहीं यार ये तो बोलेगी भाई, जवाब देगी यार, ये तो देखो कैसे गड़गड़ आवाज आ रही है इसमें से। ओ भाई अभी हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा शॉप पे भाई, रिपेयर करवानी पड़ेगी गाड़ी भाई, बिल्कुल नाश मार दी गाड़ी का, मतलब यार गाड़ी पे गोली मार दी यार, कमाल कर रहे, इतनी महंगी गाड़ी थी, सारी गाड़ी का नाश मार दिया। अमेंडा की गाड़ी थी और वो इसको माइकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली है। अब चलो और कोई रास्ता तो है नहीं, बैनी की वर्कशॉप पे चलते हैं गाड़ी, इसको रिपेयर करवा लेते हैं, देखते हैं क्या सीन होगा। काफ़ी टाइम के बाद जो हम ऑलमोस्ट उसकी शॉप पे पहुंचने वाले हैं भाई, बहुत ज़्यादा गलत सीन हो गया आज तो बहुत ज़्यादा। और गाइस आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब इसको यहाँ पे कर देते गाड़ी को खड़ी, और माइकल यहाँ जा रहा है अपने घर पे, फ्रैंकलिन और जिमी जो इस गाड़ी को रिपेयर करके वापस आ जाएंगे। माइकल के पास गाड़ी तो है नहीं, और माइकल जो अभी यहाँ पे टैक्सी में जाने वाला है, और फ्रैंकलिन और जिमी जो गाड़ी को रिपेयर करवा के वापस उसको घर पे छोड़ देंगे। अभी माइकल के यार बाल भी थोड़े से बड़े हो चुके हैं, तो माइकल अपनी थोड़ी बहुत कटिंग कुटिंग भी करवाएगा, समझा दिया माइकल ने क्या क्या करवाना है इसमें। और अभी जो हम जा रहे हैं वापस अपने, वापस नहीं जा रहे, मतलब कि हम कटिंग करवाने जा रहे हैं, बार्बर की शॉप पर जा रहे हैं, उससे पहले जो फ्रैंकलिन देख लेते यार गाड़ी कैसे रिपेयर करवाएगा, क्या क्या रिपेयर करवाएगा ये भाई साहब। ये आगे इसकी रिपेयर शॉप, इसके फ्रैंकलिन के दोस्त की दुकान है, मतलब कि इस पे यहाँ पे रिपेयर करते हैं गाड़ी अच्छी तरह। देखो यहाँ पे अब अपनी जो गाड़ी को रिपेयर करवा देते हैं, इसके ब्रेक बोनेट सब कुछ रिपेयर करवा के, और देखो भाई गाड़ी कुछ ऐसी लुक आ रही है भाई रिपेयर होने के बाद, गाड़ी बहुत ज़्यादा मस्त गाड़ी है, देखो यार कितनी ज़्यादा अच्छी लुक आ रही है। फिर देखते हैं आगे क्या सीन होता है भाई। अभी जो माइकल पहुँच चुका है बार्बर की शॉप, नहीं यार गलत, अबे टैक्सी वाले कहाँ पर उतार गया भाई, ये बार्बर की शॉप कितनी दूर है, ये पता नहीं कहाँ पर उतार के चला गया यार, क्या सीन हो रहा है। अब मेरे को दोबारा कोई ना कोई यहाँ पे गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी, और फिर पुलिस लग गई यार, फिर काफ़ी टाइम लगेगा उससे पीछे छुटाने में। चलो फिर भी ट्राई करते हैं, यहाँ पे कोई गाड़ी गुड़ी तो होगी यार, कोई खड़ी हुई यहाँ पे गाड़ी, देखते हैं। ओ बे बच गया भाई, उड़ा देती मेरे को, वो खड़ी ये काम करते हैं, ये वाली गाड़ी लेके चलते हैं भाई, देखने में कौन सी है, ये मस्टैंग है क्या, अरे नहीं मस्टैंग पता नहीं यार कौन सी गाड़ी है, इसका नाम तो भाई मेरे को पता नहीं यार, इसका पहली बार देखी गाड़ी तो भाई साहब। दोबारा माइकल ने, वो देखो लड़कियाँ डर के भागी भाई माइकल से, भाई माइकल का खौफ इतना है ना, मतलब क्या ही बोले यहाँ पे। चलिए भाई सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर देते हैं और निकल लेते हैं भाई साहब, आवाज़ तो बड़ी खतरनाक है इस गाड़ी की।
तो इसको लेके चलते हैं सबसे पहले हम बार्बर शॉप पे, और वहाँ पे जाके हम अपने लिए अच्छी सी कटिंग करवा लेते हैं अपनी अच्छी सी कटिंग। ये आ गया बार्बर की शॉप और ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। इसको अब इतना क्यों डर रहा है भाई, उड़ा थोड़ी ना दिया। अब कैसे डर डर के भाग रहे हैं, मतलब कि क्या गोली मारी इतनी कुछ नहीं करा इनको, फिर भी डर के भाग रहे हैं। ओके देखते हैं भाई ये कैसी शॉप है बार्बर की, एक बार इसके अंदर चलते हैं। भाई ये तो मेरे को मेंटल सा ही लग रहा है, क्या क्या बकवास करी जा रहा है, हंस रहा है देखो पागलों की तरह। ओ भाई पागल है ये बार्बर भाई, मेरे को तो एक नंबर का नल्ला लग रहा है, ये एक नंबर का पता नहीं क्या सीन है भाई, ये कैसा बार्बर है भाई, खुद की कटिंग तो इसने एक नंबर ही कर रखी है। ओ देखो अपने कस्टमर को इलाज दिखा रहा है। ओ बे भाई साहब ये जरूर करेगा कटिंग, देख ली इसके ढंग तो। चलो फिर भी ट्राई करते हैं, आ गए हैं अब तो करवानी ही पड़ेगी। चलो इसके पास बैठ जाते हैं यहाँ पे आके, और देखते हैं भाई कैसी कटिंग करवाते हैं। देखते हैं यहाँ पे बैठते हैं, पहले हम डिज़ाइन चूज़ कर लेते हैं अपने बालों का, कैसे करवाने वाले हेयर स्टाइल चूज़ कर लेते हैं। ओके यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे कौन सा वाला करें, ये सही सा लग रहा है, नहीं ये नहीं, सेकंड वाला ठीक है, $290 का। अरे भाई साहब इतनी महंगी कटिंग करोगे क्या अब, अरे भाई चलो यही कर लेते हैं, 290 वाले करवा लें क्या, चलो $290 वाला करवा लिया। भाई साहब क्या क्या करेगा अब, देख अच्छी लुक आनी चाहिए बेटे भाई, बड़ी जल्दी कटिंग कर दिया इसने तो, मतलब भाई कुछ भी। ओके मिलते हैं अगली बार, चले भाई बाय, चलते हैं भाई अब बाहर की तरफ। सो गाइज आई होप सबको जो है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना गाइज, वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं इसके पार्ट 4 के साथ, तब तक के लिए बाय।